आर्यन बाबू हैं जो हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, बट ये हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। आप बनना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर? हाथ मिलाइए। ये हमारे एक न्यू फैमिली मेंबर है जो न्यू सब्सक्राइबर है, और अभी सब्सक्राइबर है नहीं, बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं कमेंट में जाके ये कितना कमेंट करते हैं। अपने वीडियो पर कमेंट करिएगा कौन कौन है करता है। एक दीदी थी जो हाई कर रही थी, अगर दीदी आप वीडियो देख रही हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा लगा आपने हाई किया। देखिए एक बाबू है जो वहाँ से हाई कर रहा है। हाँ भैया है, हाय कर रहे हैं। आप लोग भी उनको कमेंट में पहचानते हैं तो जरूर बताइएगा। हेलो भैया, हाय कर रहे थे। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट हमें कर दीजिएगा। भैया है, हाय कर रहे हैं, आप वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा। क्या कौन सा चैनल? ट्रैकर की बात। यादव ग्रुप। ये मोहित भाई है, छोटे भाई, प्यारे भाई है। आनंद यादव है। हाँ जी। तो आप सभी लोग हमारी वीडियो पे जाके एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वाला हैप्पी न्यू ईयर। ब्लॉगर बनाएंगे आप लोग? बातें कम करेंगे, घूमेंगे ज़्यादा, आपको दिखाएंगे। बस माहौल आप लोग भी देखते रहिए, हम लोग भी देखते हैं। और आप लोग ये जरूर एक बार कमेंट में बताइएगा कि सुनील भाई के चेहरे पे मुस्कान कितनी बार आई। कभी सीरियस रह रहे हैं, कभी अचानक स्माइल करने लग रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि राज क्या है। राज को राज ही रहने दिया जाए, राज एक राज की बात है। तुम मरते आदमी। कैसा लगा? बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप बता सकते हैं पानी का कलर इतना ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर क्यों है? इसके बारे में आपसे पूछना पड़ेगा। गेस करिए ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर क्यों है? हमने एक सवाल किया भाई से कि पानी का कलर ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर क्यों है। भाई क्यों मेरी बेइज्जती करवा रहे हो? आप लोग बताइए कि पानी का कलर ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर क्यों है? आपको यहाँ का एटमॉस्फेयर भी दिखा देते हैं। इस चीज़ पे आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे कलाकार हैं, ये भले ही ग्रीन दिख रहा है, इसका कलर ये कैसे भी चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़े कलाकार हैं, तो इनके बातों पे ना जाइए। ये दिख कुछ और रहा है, लेकिन बना कुछ और देंगे, ठीक है? नहीं, मैं एक्चुअली बताना ये चाहता था कि कोई मिक्सचर नहीं है, ग्रीन ग्रीन कलर के पेड़ है, इसलिए इस पे शैडो जा रही है, वो ग्रीन कलर की है। उसी थोड़ा सा कोहरा पड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ब्लू भी दिखाई दे रहा है। और कोई दिक्कत नहीं। और मछलियाँ सब कुछ शांत है, क्योंकि ठंडी का दिन है, गर्मियों में आते हैं तो यहाँ कूदती हैं मछलियाँ, कूदती हैं। और देखिए इसमें वो सब हंस कितना भाई साहब मिले हैं काफी ज्यादा दिनों के बाद। हाय करिए हमारे को। और हमें लग रहा है मंदिर से आ रहे हैं, काफी अच्छा लगा। और माफी चाहेंगे कि हम लोग मंदिर नहीं जाते हैं। मैं ना आया हूँ, मैंने मैं भी ना आया हूँ, ये नहीं ना। अब भाई देख के तो झूठ बोलना सीखना पड़ेगा ना। नहीं भाई, सच में हम ना है यार, कहाँ लिए बेइज्जती कर रहे हैं सबके सामने। नहीं नहीं भैया जी, कोई बात नहीं, दोनों लोग नहाए, मजाक कर रहा था। भैया नहीं नहाए लेकिन मंदिर गए थे। मैंने नहाए ही गए थे। मजाक की बातें अलग हो गई है। कोई दिक्कत नहीं यार, नहाओ ना नहाओ, मंदिर जाने में कोई दिक्कत नहीं। और बाबा से मिलने जाने के लिए नहाने की जरूरत नहीं है, महादेव के भक्त हैं तो आप कैसे भी हैं वो खुश हो जाएंगे। बस क्या बोले हैं, बस श्रद्धा भाव से जाइए मंदिर बस। आर्यन बाबू हैं जो हमारे सब्सक्राइबर पूछ रहे हैं, बट ये हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। आप बनना चाहेंगे हमारे सब्सक्राइबर? हाथ मिलाइए। ये हमारे एक न्यू फैमिली मेंबर है जो न्यू सब्सक्राइबर है, और अभी सब्सक्राइबर है नहीं, बनने जा रहे हैं। तो देखते हैं कमेंट में जाके ये कितना कमेंट करते हैं। अपने वीडियो पर कमेंट करिएगा क्या सब्सक्राइब करेंगे। क्या सब्सक्राइब करेंगे बिना पूछे? झुकी झुकी नजरें, झुके झुके पेड़, और उसके नीचे से झुक के जाते हुए लोग।
जिसको अगर भोजपुरी में कहा जाए, अगर भोजपुरी में कहा जाए तो निहूर के जाते हुए लोग हैप्पी निहूर ईयर, मतलब हैप्पी न्यू ईयर साथ में हैप्पी निहूर ईयर। मजाक की बातें हैं, काफ़ी फैमिली मेम्बर आए हुए हैं और काफ़ी कौन सा रेट हो गया है हाँ। कैसा लगा वन बिहार का माहौल आपको? अब हम लोग घूम चुके हैं और वापस जा रहे हैं और जाएंगे सुराहा लेक में और वहाँ जाके बोटिंग करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, चलते हैं सुराहा लेक में और बोटिंग करते हुए मिलते हैं, बाय। कौन कौन हाय करता है? एक दीदी थी जो हाय कर रही थी, अगर दीदी आप वीडियो देख रही हैं तो कमेंट जरूर करिएगा क्योंकि हमें काफ़ी अच्छा लगा आपने हाय किया। चार्ज गाड़ी आप लोगों की सेवा में ही आया है। छोटा शहर है बलिया और यहाँ के लोग अभी उतना ज़्यादा नहीं सोच पाते हैं जितना बड़े शहरों के लोग सोचते हैं, क्योंकि हम ब्लॉग बना रहे हैं तो कम से कम 20-25 बार ऐसे सिचुएशन को फेस किए जहाँ लोग मजाक बनाते हैं। तो अच्छी बात है आज मजाक बना रहे हैं, कल के डेट में उनको भी इस चीज़ की वैल्यू समझ में आ जाएगी। जरूरी है निंदक नियर रखिए, आंगन कुटी छवाए, बाबा से वेट कर लीजिए, मतलब आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसे लोगों को साथ में रखना। देखिए एक बाबू है जो वहाँ से हाय कर रहा है। हाँ भैया है, हाय कर रहे हैं, आप लोग भी उनको कमेंट में पहचानते हैं तो जरूर बताइए कैसी हो। हाँ तो जिसके लिए वो भैया बोले हैं वो कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर आप वीडियो देख रही हैं तो कमेंट जरूर एक बार करिएगा। अच्छी बात है, मैसेज दे सकते हैं आप लोग भी। वापस चल रहे हैं जहाँ बाइक स्टैंड था, अभी भी लगभग बच चुके हैं। अरे यार सवा दो, सवा दो। हाँ बापरी, ऐसा लग रहा है अभी 8-9 बज रहा होगा सुबह का, लेकिन हमें फील हो रहा है कि सुबह का अभी माहौल है, बट अभी 2:15 हो चुका है। और भैया हाय कर रहे थे, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट हमें कर दीजिएगा। तो लगभग दोपहर के 2:15 हो चुके हैं और माहौल अभी सुबह वाला है, ठंडी भी उसी तरह है, कोहरा भी उसी तरह है। भैया है हाय कर रहे हैं, आप वीडियो पे कमेंट भी कर दीजिएगा क्या आप ही कौन सा चैनल ट्रैकर की बात ट्रैकर। चलते हैं बाइक को लेके आते हैं और वापस अपने सफर पे सुराहा लेक की तरफ। हेलो गाइस, कुछ लोग मिल गए हैं हमें, स्टैंड पे आया था बाइक लेने के लिए, यहाँ पे कुछ लोग मिल गए। भाई साहब आपका क्या नाम है? सोनू कुमार यादव। सोनू भैया हैं, एक और भैया है, आपका नाम भैया? सोनू इधर आ जाइए, वो भी सोनू भैया हैं। और एक ये भाई साहब है, आपका नाम? पंकज यादव। पंकज यादव हैं और ये मोहित सिंह। मोहित सिंह है और मैं शिवा भाई शिव प्रताप यादव। तो एक तरह से यादव का यहाँ एक ग्रुप बन गया, यादव ग्रुप है बस। ये मोहित भाई है, यादव ग्रुप यादव, ये मोहित भाई है, छोटे भाई प्यारे भाई है, आनंद यादव, आनंद यादव है। हाँ जी, तो आप सभी लोग हमारी वीडियो पे जाके एक कमेंट, प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी वाला हैप्पी न्यू ईयर, आपको और आपके पूरी फैमिली को, पूरा फैमिली को। हेलो बढ़िया भैया, भैया मिलेंगे तब तक हाय करते रहेंगे, 4 बजे से पूछ हो जाएगा। ओके काफ़ी ज़्यादा जाम है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, इस वजह से हम लोग वापस जा रहे हैं, क्योंकि अगर बाइक से भी हम लास्ट तक जाते हैं सुराहा ताल तक तो हमें कुछ नहीं तो 1 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे और वहाँ पे शायद बोटिंग का ना का चांस है, क्योंकि बोटिंग 3:30 क्लोज हो जाता है। आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं बोटिंग का लास्ट टिकट 3:30 मिलता है और 4 तक पूरा क्लोज हो जाता है, जो लोग गए रहते हैं वो भी वापस आ जाते हैं। इसलिए बोटिंग कैंसिल, सुराहा लेक का विजिट कैंसिल और मिलते हैं आपसे किसी एक नए वीडियो में अलग अंदाज में।